नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। भवानी मंडी नगर में कोरोना काल में लोगों में धार्मिक और परोपकार के प्रति रुझान देखने को प्राप्त हुआ है। लोगों के द्वारा अपना जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, परिजनों की स्मृति में गौशाला में आकर गौ सेवा करने और सवा मणि का आयोजन कर चलन नगर में देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में रविवार को अमेरिका निवासी हसमुख पटेल के द्वारा अपनी विवाह वर्षगांठ को और दिल्ली निवासी रमेश चंद खंडेलवाल के द्वारा अपने जन्मदिन को गौशाला में सवा मणि के आयोजन के साथ मनाया गया। श्री गोपाल गौशाला भवानी मंडी के कोषाध्यक्ष जितेंद्र गर्ग ने बताया कि गौशाला में लगभग 750 गायों की व्यवस्था सहकारी सहायता और जन सहयोग से सुचारू रूप से की जा रही। पिछले वर्ष जनवरी 2020 में गायों को पौष्टिक आहार देने के उद्देश्य से गौशाला में सवा मणि प्रकल्प प्रारंभ किया है, जिसमें दलिया, दाल, सोयाबीन तेल और औषधि कुल 51 किलो सामग्री से एक सवा मणि तैयार होती है, जो लगभग 30 गायों के लिए पौष्टिक आहार का कार्य करती है। प्रतिदिन अलग अलग गायों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। नगर में इस योजना को लोगों ने काफ़ी सराहा है और दूर दूर के रिश्तेदारों भी गौ सेवा के लिए उद्देश्य से गौशाला में सवा मणि के लिए आगे आ रहे हैं। जनवरी 2020 से अभी तक 500 सवा मणि का आयोजन गौशाला में हो चुका है। भवानी मंडी उपखंड में ग्रामीण स्तर पर बिजली विभाग की लापरवाही लगातार बरकरार, जिसका खामियाजा ग्रामीण किसानों को भुगतना पड़ रहा है। भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र के सुनेल रोड पर स्थित 33 केवी गुराड़ी जीएसएस पर पिछले 8 दिनों से सभी कर्मचारी नदारद हैं, जिसके चलते जीएसएस से जुड़े 15 गांव की बिजली प्रभावित हो रही। वहीं विभागीय अधिकारी दुखती रख पर मलहम लगाते हुए बकाया बिजली बिल का बहाना बना रहे। बिजली समस्याओं को लेकर सोमवार सुबह शिकायत दर्ज कराने पहुंचे 15 गांव के 50 से अधिक किसानों को जीएसएस पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। इससे नाराज किसानों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है और जीएसएस पर कर्मचारी तैनात करने की मांग की। 8 दिनों से नहीं आ रही खेतों पर बिजली, बुआई कैसे करें बिजली की समस्या पर प्रदर्शन कर रहे किसान गोकुल सिंह, कमल सिंह, नरेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, नारायण सिंह, गोविंद सिंह, जीतू, शक्ति, श्याम आदि ने बताया कि गुराड़ी जीएसएस से 15 से अधिक गांवों को बिजली मिलती है, लेकिन पिछले 8 दिनों से खेतों पर दी जाने वाली लाइट बंद है, जिससे बुआई की तैयारी कर रहे सैकड़ों किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान रंजीत ने बताया कि प्याज बुआई की तैयारी को लेकर खेत 75,000 रुपये के बीज बोए, लेकिन लगातार बिजली नहीं होने पर बीजों को पानी नहीं पिला सके, जिससे बीज खराब होने लगे। वहीं अन्य किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। गोकुल सिंह ने कहा कि बिजली नहीं होने पर पशुओं को पानी पिलाने व खेतों पीवत करने के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई है। घरों को मिलने वाली बिजली आपूर्ति भी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते गांव की महिलाएं बच्चे प्रचंड गर्मी में बेहाल हैं। पूरी रात लाइट नहीं आ रही, यहाँ कोई कर्मचारी भी कोई नहीं है लाइट चालू करने के लिए। 3 आदमी की ड्यूटी रहती है। कितने दिन से समस्या बनी थी ये समस्या? 10 दिन हो गए करीबन। तो आपने विभाग के अधिकारियों को सूचित नहीं किया? विभाग को सभी को कर दिया सूचित। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं कि ठेकेदार जाने ने ठेकेदार को बोलो तो ठेकेदार कहता है कि मैंने ठेका कैंसिल कर दिया, कोई सुनवाई नहीं है। वो भी ध्यान दे रही है। इसके लेके अपने गाँव में क्या क्या परेशानी आ रही है? लाइट नहीं आ रही है तो गाँव में, तो हमारे यहाँ कल ही एक गाय मर गई, जो 4 दिन से तार टूटा हुआ पड़ा था, लाइनमैन था ही नहीं यहाँ पे। लाइनमैन तो बस नाम के लाइनमैन नहीं है। उसकी शिकायत करी। भवानी मंडी के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के लगातार वैक्सीन अभियान जोरों शोरों पर चल रहा है। ऐसे में अब तक 903 वैक्सीन टीकाकरण लगाए जा चुके हैं, जिसमें 400 ड्राई स्थान टेक्सटाइल में व 400 भवानी मंडी सरकारी अस्पताल में लग चुके हैं। यह जानकारी कोविड प्रभारी रोहित सोनी ने दी। भवानी मंडी में मानवता के सच्चे सेवक, धर्म के रक्षक, शांत व गंभीर स्वभाव के स्वामी गुरु अर्जुन देव अपने युग के सर्वमान्य लोक नायक थे, जो दिन रात संगत की सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में भी सभी धर्मों के प्रति अथाह सम्मान था। गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद सिंह साहिब ने शांति के साथ साथ हथियारबंद सेना तैयार करना बेहतर समझा और मीरी पीरी का संकल्प देते हुए श्री अकाल तख्त साहिब की रचना की। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भाई गुरुदास की सहायता से किया और रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित वाणियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। सिख धर्म में सबसे पहली शहीदी 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की हुई। शांति के पुंज शहीदों के सरताज अर्जुन देव जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने अकारण ही शहीद कर दिया। मोनू सरदार ने बताया कि इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के तहत 20 लोगों को ही शामिल किया गया। ट्राई एंड बाई की दुकान पर लोगों को भीषण गर्मी के चलते शरबत भी पिलाया गया।
चौमेला कस्बे से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर ड्यूटी के दौरान 4 माह पूर्व 5 फरवरी को रेलवे हादसे से मृतक होमगार्ड जवान किशोर सिंह की मृत्यु हो गई थी। सोमवार को गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र झालावाड़ कमांडेंट सीमा पारिक के नेतृत्व में जवानों ने मृतक के पैतृक व गांव निम्पानिया झाला जाकर 1 लाख रुपए की नकद राशि मृतक की पत्नी को सौंपी। होमगार्ड विभाग कमांडेंट सीमा पारिक ने बताया कि फरवरी माह में रेलवे कर्मचारियों के साथ किशोर सिंह भी नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तभी रेल हादसे में उनकी मौत हो गई, जिनकी पत्नी को सभी जवानों ने मिलकर नगद 1 लाख रुपए की राशि सौंपी। जिसका हमें और पूरे होमगार्ड परिवार को बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जितने भी झालावाड़ जिले में जितने भी होमगार्ड स्वयंसेवक स्थायी स्टाफ ऑनरेरी HPC LCC हम सब ने मिलकर कोशिश की है इनकी आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपये जुटाए जो आज इनकी पत्नी कृष्णा जी को दिए हैं, और इसके बाद भी हमने इनके आर्थिक सहायता के लिए पूरा केस बना के रेलवे विभाग को भेजा है जिसमें लगभग 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है, और इनके इनका एक केस बीमा विभाग में भेजा है जिसमें इनको 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, और हेडक्वार्टर स्तर पर वेलफेयर फंड से इनको 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा इनका जो बेटा है जो कि 18 साल का हो चुका है उसके लिए भी हमने उसके कागजात भी हेडक्वार्टर भेजे हैं, तो किशोर सिंह जी के स्थान पर उसको स्वयं सेवक के पद पर उसको नियुक्ति मिल जाएगी, और इनको जो भी परेशानी आएगी उसके लिए हमने इनको वादा किया है कोई भी इनको हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो हम इनकी मदद। झालावाड़ जिले के अकलेरा उपखंड पर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर समर्पण मानव सेवा समिति अकलेरा के तत्वाधान में निरोग धाम ब्लड बैंक में मिनी रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। मिनी रक्तदान शिविर में समर्पण मानव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तवीरों ने रक्तदान किया, जो कोविड-19 के चलते सावधानी बरतते हुए रक्तवीरों ने रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। समर्पण मानव सेवा समिति के अध्यक्ष रामचंद्र मीणा पाटन उदा ने बताया कि आज सोमवार को विश्व रक्तदान दिवस के दिन हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 को देखते हुए रक्तदान किया गया। बकानी के बड़ाए गांव में स्वर्गीय अध्यापक ललित संगी को श्रद्धांजलि स्वरूप आज विश्व रक्तदाता शिविर के उपलक्ष्य में जिले में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए टीम महाकाल व मानस मंडल बड़ाए के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 55 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ, जिसे ब्लड बैंक झालावाड़ के स्टाफ डॉक्टर अंकित डॉक्टर नीलम को सुपुर्द किया गया। रक्तदान शिविर में सत्यनारायण संगी परिवारजन व प्रधानाचार्य रमेश कुमार वर्मा, सरपंच प्रेम भाई गुर्जर, जनप्रतिनिधि बजरंग गुर्जर, आत्माराम सावलिया, बाल किशन गुर्जर, शशिकांत लोधा, नर्स ऋतु योगी व ग्रामवासी मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के धरोनिया व सोरोनिया गांव कसी के क्षेत्र में जिले में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ किसान मानसून पूर्व खेतों को तैयार करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को DAP खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी समिति धरोनिया के पास वर्तमान में DAP खाद नहीं, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। किसान गोवर्धन पाटीदार, अशोक वर्मा, द्वारकीलाल पाटीदार, जुगल पाटीदार, घनश्याम संगोई आदि ने बताया है कि मानसून आने वाला है और सहकारी समिति में DAP व NP खाद नहीं आया है। राज्य सरकार से जल्द खाद की पूर्ति करवाने की मांग किसानों ने की। रखते हैं यहाँ के किसान उन्नत किस्म की कृषि करते हैं। इस वक्त किसान अपने खेतों को मानसून पूर्व तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को DAP की चिंता सता रही है। मानसून से पूर्व किसान सहकारी समिति धरोनिया में DAP खाद खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें DAP नहीं होने की वजह से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। जिले के किसानों को DAP खाद की आवश्यकता है, लेकिन इस वक्त किसी भी सहकारी समिति में DAP खाद उपलब्ध नहीं है। धरोनिया सहकारी समिति के पास 1 बैग DAP का भी इस वक्त उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसानों को DAP खाद की चिंता सता रही है। क्षेत्र के किसानों को लगभग वर्तमान में 800 बैग DAP खाद के एवं 400 बैग। पिड़ावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेगा कार्यों में मजदूरों की संख्या बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस IT सेल पिड़ावा कृपाल सिंह एवं कांग्रेस युवा नेता अशोक वर्मा ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कोरोना महामारी के कारण विगत 2 माह के मनरेगा कार्य ठप पड़े हैं,
पिछले माह राज्य सरकार के आदेश अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य प्रारंभ के आदेश तो आए, किंतु मजदूरों की संख्या काफ़ी कम रखने का आदेश दिया गया। इस कारण सभी ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से कोरोना के कारण प्रदेश में रोजगार का भारी संकट है। ऐसे में मनरेगा में प्राप्त रोजगार ही एक सहारा है, इसलिए शीघ्र ही मनरेगा में मजदूरों की संख्या बढ़ाने की मांग की। आज के समाचारों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।